कि आप देख सकते हैं ये है हमारा फैम स्टूडियो चैनल और इसमें हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग भी दिखाते हैं। ये हमारा लेडी फिंगर का पौधा है, अभी ये शुरुआती दिन है, अभी इसमें कोई लगी नहीं है, बट हम आपको बता रहे हैं ये हमने मार्च के मिड में लगाई थी, 15 मार्च, और इसके सेंटर में ही। ये हमारा बैंगन का पौधा जो हमें अप्रैल में लगाया था। ये हमारे तर का पौधा है, इसमें काफ़ी सारे फूल लगे हैं, आप जैसे देख सकते हैं। ये हमारे भिंडी का पौधा है, ये हमारे मिर्ची का पौधा है जिसमें मिर्ची आनी शुरू हो गई है। ये हमारे भिंडी के पौधे हैं, अभी इनमें कोई फल नहीं लगा है, जब फल लग जाएगा तब भी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। ये हमारी घी की वेल चढ़नी शुरू हो गई है। अब घी की वेल चढ़नी शुरू हो गई इसलिए हमने इसको बांध दिया रस्सी से। ये हमारे भिंडी के पौधे हैं, ये देखो इसमें फल लगा हुआ है थोड़ा सा, आप देख सकते हो शुरू हो गया है। ये हमारे करेले की वेर है जो ये भी लंबी होने शुरू हो गए, जिसको हमने रस्सी से बांध दिया है, इसको बरसात वाला करेला बोला जाता है। इसमें काफी सारे करेले लगे भी आप देख सकते हो। ऊपर से नीचे तक ये लदे हुए हैं, ये कुछ नए पौधे हैं बरसाती करेले जो अभी अभी शुरू हैं। ये हमारे घिया का पौधा है, ये हमारी तोरी की बेल भी है जिसमें एक देखो तोरी लगी हुई है, ये भी हमने मिड मार्च में लगा दी थी। ये हमारे भिंडी की खेती है, देख सकते हैं आप भिंडी लगी है इसमें। काफी सारे फूल भी आए हुए हैं इसमें देखो। ये हमारे पुदीने के हैं और ये हमारे हरे बैंगन हैं, इनके पत्ते थोड़े खराब हो गए बट इनमें फल और फूल भी लग गए हैं। ये देखो जैसे फल लगा हुआ है, ये देखो अभी छोटे हैं फल बट लगे हैं। ये हमारा घर का ताजा पुदीना है, आप देख सकते हो कैसे हरा भरा हुआ पड़ा है। ये हमारे घर में फूलों के पौधे भी हैं, एलोवेरा जो हम फेस हमारे हेयर सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे कड़ी पत्ते का पौधा है, अब इसका गर्मी के कारण इसके पत्ते झड़ गए हैं बट ऊपर ऊपर है, फल भी आ गया इसमें। ये हमारे आर्टिफिशियल हैं। ये हमारा जवैन का पौधा है, ये देखो हमारे फलियों के पौधे, ये हमने तुलसी लगाई है अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, ताजी ताजी लगाई है। ये देख सकते हो ये हमारी हरी मिर्च है, ये देखो ये शिमला मिर्च भी लगी है इसमें बीच बीच में, इनमें भी फूल आ चुके हैं, अभी लग जाएंगे थोड़े दिन में। ये हरी मिर्च के पौधे हैं, इसमें हरी मिर्च भी लगी है, अभी कम लगी है क्योंकि हमने आज सुबह ही तोड़ ली है, अभी बहुत लगती है, 1 मंथ में 1-1.5 किलो के करीब लगी जाती हैं। ये हमारा फ्लास बीन है और पौधे भी देखो कितने बड़े बड़े हो रखे हैं और सब में फूल पड़े हुए हैं, अभी भी हमने काफी सुबह आज तोड़ी हैं।
ये देखो हमारे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, ये गर्मी के कारण ये सूख गए हैं, वैसे ये सर्दी वाले पौधे हैं। ये देखो ये मिर्चों से भरे हुए हैं पौधा, आप देख सकते हो कितनी मिर्चें लगी हैं इसमें। ये भी हमारा आर्टिफिशियल प्लांट है, ये ऑक्सीजन प्लांट है, इसको ऑक्सीजन प्लांट बोला जाता है। ये देखो हमने डेकोरेशन के लिए आगे ग्रिल पे भी हमने पौधे लगाए हुए हैं, ग्रिल के ऊपर हमने एक राउंड राउंड से सरिये लगवा के उसमें हमने छोटे छोटे प्लांट्स मैंने अमेज़न से मंगवाए हुए थे और उसमें हमने इसको टका के पौधे लगाए हैं, जैसे आप देख सकते हो। आर्टिफिशियल प्लांट है ये तो वैसे ही है, बट ये लगने में सुंदर लग रहा है, देखो आप कितना सुंदर लग रहा है, और ये वैसे नेचुरल है और बिल्कुल ग्रीन लग रहा है। ये भी आर्टिफिशियल प्लांट है, इसको हमने आज कटिंग करी है, बहुत बड़ा हो गया था, और ये हमारे कैक्टस है। खाद, ये हमारी घर की खाद है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हम हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स के पील्स सब कुछ डाल देते हैं जो हमारा गीला कूड़ा होता है। इसके नीचे हमने सेंटर में, ये देखो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सरिये लगे हैं, इसके सेंटर में हमने एक नेट की टाइप रखा हुआ है जिससे कि कूड़ा नीचे नहीं जाता, बस उसका पानी पानी नीचे जाता है। और आप देख सकते हो इसमें हमने टूटी लगाई है, ये देखो कैनी की कैनी भर जाती है। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी कैनी भर भर रखी हुई है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आधा मग ये लेके उसमें एक बाल्टी पानी लेके दोनों को मिक्स कर लेना अच्छे से, ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा नहीं डालना, पौधों को थोड़ा थोड़ा ही डालना है। और ये देखो हमारी ऑर्गेनिक रूढ़ी भी है घर की खाद, ये हमने बंद करी हुई है, जब हम न्यू पौधे लगाते हैं इसको नीचे रख पहले डाल देते हैं, फिर थोड़ी सी मिट्टी डाल के फिर पौधे लगाते हैं, फिर अच्छे से होते हैं। ये अभी पूरी तैयार नहीं हुई है, बंद करके रखी है कि पूरी तैयार हो जाए। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी साइड से दिखा रही हूँ, ये कुछ नहीं है, बस जो सड़ जाते हैं हम एक जगह में इकट्ठे कर करके मिट्टी में दबा देते हैं, फिर मिट्टी अच्छी हो जाती है। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें, अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं।